हरियाणा के बहादुरगढ़ में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। बहादुरगढ़ में एक तेज रफ्तार ट्रक ने आंदोलनकारी महिला किसानों को बेरहमी से कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी महिलाएं सड़क के बीच डिवाइडर पर बैठकर घर जाने के लिए ऑटो की राह देख रही थी। उसी समय एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया और इस भीषण हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार इस भीषण हादसे में मरने वाली 3 प्रदर्शनकारी बुजुर्ग महिलाएं थी। 3 में से 2 महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और एक महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान अपनी जान गंवा दी। जानकारी मिली है कि हादसे में 2 अन्य महिलाएं भी बेहद गंभीर हैं। इन गंभीर महिलाओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि ये घटना झच्छर रोड पर फ्लाईओवर के नीचे हुई है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश अभी की जा रही है। जिन महिलाओं की मृत्यु हुई है उनके नाम अमरजीत कौर, छिंदर कौर और गुरमेल कौर है, जबकि 2 महिलाएं मेहर सिंह और गुरमेल गंभीर रूप से घायल हैं।